Hello guys, now we are Heritage India Carnival. So hello everyone, welcome back to Urte Parinde first of all. So आज हम आए हैं Sector 34. वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ते परिंदे. सो आज हम आए हैं स्पेशल व्लॉग लेके जो के है हमारा नवरात्रि स्पेशल, जिसमें हम लोग अभी आए हैं 22 सेक्टर. इसका व्लॉग पहले भी हम बना चुके हैं, बट आज है कुछ खास दिन क्योंकि आज है माता रानी का लास्ट डे अष्टमी. तो कल हम पूजेंगे नौमी, और जिसको हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हम ये फेस्टिवल को बनाते हैं, कन्याएं पूजी जाती हैं. तो आगे हम इन चीजों के लिए कुछ सामान यहाँ लेने के लिए आए हैं, कुछ शॉपिंग हम करने वाले हैं अभी. तो मार्केट्स में दिखाऊंगी कि 22 की मार्केट कैसी लगती है. वैसे हर फेस्टिवल में 22 काफी अच्छा लगता है, पर इस बार कुछ अच्छा और भी लगने वाला है. तो आइए देखते हैं कि मार्केट किस तरह से सजी है और हम क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं. चलिए आइए देखते हैं. सो कहरा ने करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ दिखा है यहाँ पर. तो मतलब मार्केट में बच्चों को लेके आ रहा, मतलब कुछ खरीदना ही पड़ेगा. तो इसने उठाई है स्लाइम पिंक कलर की, ये देखो इसको लेना है. ये क्या प्राइस है भैया? 50 का है. चप्पलें जूतियां देख रहे हैं हम. ये नहीं, ये वाली दिखा रहा, ये वाली पड़ी ना, ब्राउन वाली. हाँ सो ये पेयर चेक करती हूँ, देखो कैसी लग रही है. कैसी लग रही है? वैसे तो तो गाइस, सूट की कलेक्शन यहाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती है. शास्त्री मार्केट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर सूट्स मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटीज़ के, और डिफरेंट टाइप का जो फैब्रिक है आपको यहाँ मिल जाएगा. जैसे डिज़ाइनर सूट जैसे ये है, ये आपको क्रेप में मिल सकता है, ये कॉटन सूट है और मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी. तो चलिए आगे चलते हैं. गाइस अभी सिर्फ स्टार्टिंग ही है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे. आगे काफी चहल पहल है और हर बार की तरह यहाँ पर एक म्यूजिक फंक्शन होता है, जो आपने देखा है एक सोलो परफॉर्मेंस यहाँ हमेशा दी जाती है, चाहे वो दीपावली हो या फिर कोई और त्यौहार जैसा नवरात्रि चल रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेशल मोमेंट्स हैं. तो चकाचौंध लगी हुई है, मज़ा आ रहा है. तो ये जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मज़ा आता है इनको देख कर, इनको सेलिब्रेट करके. आई लव सेक्टर 22. आती हूँ सूट कलेक्शंस जो कि गर्ल्स की सबसे फेवरेट होती है. मतलब ये मार्केट ही फेमस है, जो शास्त्री मार्केट है हमारी, जहाँ पे सूट काफी फेमस है. चाहे आप किसी भी टाइप का सूट ले लीजिए, ब्रांडेड सूट हो चाहे कैसे, बट आपको कलेक्शंस काफी अच्छी मिलेंगी. देखिए अब जैसे कॉटन के सूट्स हैं और ये ब्लू सूट आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है. मतलब फेस्टिव सीजन के एथनिक वेयर्स हैं जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने फंक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए. और काफी कलरफुल है, काफी कलरफुल, मतलब देख के लगता है कि हाँ ये फेस्टिवल हमारे लिए ही बना है, गर्ल्स के लिए. तो काफी अच्छी कलेक्शन है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है. क्या लगता है, सब मन करता है कि सभी चीजें ले लें, बट कुछ ही चीजें हमें लेनी है. तो आइए और चीजें मैं आपको दिखाती हूँ. ज्वेलरी से रिलेटेड हो चीजें तो काफी अच्छी लगती है. वो देखिए, वो सेक्शन देखिए, सारा गर्ल्स का सेक्शन है. वहाँ आप नॉर्मल कुर्तीज डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो, बट अभी हमारी जो है वो एथनिक है, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, दिवाली के लिए भी काफी अच्छी कलेक्शन आई हुई है. तो ये है हमारा ज्वेलरी का सेक्शन. तो मैं लेने वाली हूँ अपने सूट के साथ मैचिंग इयररिंग्स. तो मैं सोच रही कुछ ऐसा लूँ जो काफी ब्यूटीफुल लगे,
ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तारा भी पूरा एंजॉय कर रही है ना। तो इनका प्राइस पूछ लेते हैं क्या भैया, प्राइस क्या है इनका? ओके, 100 वाले और 50 वाले, ये हैं आपके 100 वाले। तो नेक्स्ट ही में देखती हूँ मुझ पे कौन सा अच्छा लगेगा। और ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। ये देखो कैसे लग रहे हैं। जो गर्ल्स झुमके लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। ये सेट है, ये निकालना है 200 रुपए का। अच्छा टिक्का तो मुझे पहनना नहीं है। अच्छा ये इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं करने वाला, ये कोई बार्गेनिंग नहीं होने वाली इसमें, कोई बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस है। आपको ये 100 रुपीज का मिलेगा। ऊपर वाले सेक्शन में 150 रुपीज के 200 और ये है 150 एंड 100, मतलब सीक्वेंस वाइज मिलेंगे 150 200 एंड 50। और ये कितने का भैया? 100। अच्छा ये निकाल के दिखाइए मैंने, देखो ये कैसे लग रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस? सोच रही कि ये वाले इयररिंग्स ले लूं, ये सब थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं और बाकी सब थोड़े हैवी है। ये मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने ये वाले इयररिंग्स कभी पहने नहीं है और ये इयररिंग्स तो सबने एक्चुअली मैच करेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन है यार। So guys, मैंने ये लिए हैं 2 इयररिंग्स, ये पहनूंगी सूट और ये साड़ी के साथ, तो काफी अच्छे लग रहे हैं। रीजनेबल प्राइस में मुझे अच्छे डिजाइन मिल गए हैं। सिर्फ रेट बहुत ही रीजनेबल है, 100 रुपीज। तो सो गाइस ये बैंगल्स के काफी ऑप्शन आए हुए हैं क्योंकि मार्केट क्या है कि लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता ही है ये फेस्टिवल, तो काफी रौनक है। और मैं चाहती हूँ जितना हो सके आपको चीजें दिखाऊं, एक बार आपको क्लोज करके दिखाएंगे कि कलरफुल बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए मार्केट की चका चौंध इतनी प्यारी लग रही है और डेकोरेशन की चीजें, मतलब ये फेस्टिवल ऐसा है गाइस कि बस पता चल जाता है कि हाँ आप फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। आप लेके चलते हैं आपको शास्त्री मार्केट की कपड़ों वाली दुकानों में, जहाँ पे आपको गाउन और एथनिक वेयर्स मिल जाएंगी आपके दिवाली फंक्शन के लिए। बड़ा प्यारा सूट है ये, पूरा है विद पेयर है, आपको 400 रुपए में कुर्ता और वो मिल जाएगी। खोल के दिखाना भैया, सी कॉटन कुर्ता है, नीचे आपका पैंट आ जाएगी। चिकन प्लाजो है ये, आपको मिल जाएगा 400 रुपए में सेट है, वैसे 200 रुपए का आता है ये कुर्ता। Guys, now we are Heritage India Carnival, जो कि काफी अच्छा लग रहा था बाहर से, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ घूमा जाए और कायरा को भी हम घुमाएंगे, तो काफी कलरफुल लग रहा था, काफी रौनक है। तो अंदर चलते हैं और इंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्पेशल है अंदर। काफी कलरफुल है, पूरा राजस्थानी गेटअप है। सो गाइस ये भी एक कल्चर है जो कि राजस्थान का है, तो काफी मतलब कठपुतलियों का एक नाच दिखाया जाता है। सो गाइस अब एंटर हो चुके हैं अंदर और देखा हमने आते ही इतनी डेकोरेशंस की चीजें हैं यहाँ पर, जो कि अपने घर में आप गार्डन में यूज कर सकते हैं। ये एक यूनिक चीज अगर आपको चाहिए तो इन फेस्टिवल्स में हमको फेयर के थ्रू मिल जाती हैं।
पंजाब में रहेंगे, अगर भांगड़ा नहीं देखा तो क्या देखा मेले में, तो आइए आपको भांगड़ा दिखाते हैं। तो वो बनाने वाले भैया, ये है सब्जी, ये है आपका पाव भाजी, ये है बड़ा पाव और छोले भटूरे बन रहे हैं। तो भैया क्या प्लेट है? 100 रुपए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तो परिंदे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हम आए हैं सेक्टर 34 के शहर में, जो हर साल लगता है, और हमने यहाँ पे कराया है अपना पाव भाजी। पाव भाजी का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पाव भाजी कैसा है, कैसी है। सॉरी, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है पीछे। जो ये भाजी है, भाजी का टेस्ट, हाँ ये काफी टेस्टी है, मजेदार है। तो पाव थोड़े से बासी लग रहे हैं मुझे। चलिए हम फूड को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपको किसी और जगह। बाय। बहुत ज़्यादा, और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा बना है। अभी पेंडिंग है क्योंकि हम मॉर्निंग में पूजा करेंगे, कन्या बिठानी है हम लोगों ने, और आगे आधी वीडियो बची है हमारी क्योंकि कल होगी माता रानी की पूजा, कल कन्या जमाएंगे हम लोग। तो अभी जो आज का जो अभी तक का ब्लॉग काफ़ी अच्छा बना है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप यहाँ एक बार आएँ, विज़िट करें। सो गाइज, हो गई है गुड मॉर्निंग और आप बनानी है सब्ज़ी, उसके बाद बनेंगे पूरी, हलवा, चने, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। ये रहा हमारा हलवा और ये है हमारे चने, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ की डोर तैयार है और जैसे ही इसको बेलूँगी सीधा जाएगी ये कढ़ाई पर, उसके बाद आएंगे बच्चे, बच्चों के बाद फिर होगी पूजा, देन स्टार्ट करते हैं। चलो पूरियाँ हो गई है तैयार, पूरियाँ तैयार, और अब हम जाएंगे ढूंढने कन्याओं को। सो बच्चे भी आ गए हैं और पूजा शुरू हो रही है। बच्चों के पहले पैर धोए जाते हैं, उसके पास को धो के पैरों में, पैरों को धोने के बाद इसको माथे पे लगाया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद सदा हम पर बने रहे। आज का ब्लॉग जरूर बताएगा। कंचिका आई है, बहुत खुशी है, और एक माता रानी घर पर आई है, और आप देख सकते हैं बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो गाइस उसी इवनिंग में हम लोग आए सेक्टर 46 और ये देखिए जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के स्टैचू बने हैं वो काफी ही अच्छे बने हैं। देखिए दशहरे के दिन में काफी रश हो जाता है तो बच्चे के साथ आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके हमने एक दिन पहले ये कवर कर लिया। और अगर आपकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें यूं ही प्यार बांटते रहिए।